मेरे प्यारे बच्चों, सबसे पहले आप सभी को जय हिंद। आज इस वीडियो में हम बात करेंगे ऑल इंडिया कोटा की एक्सपेक्टेड कट ऑफ के बारे में और साथ ही साथ स्टेट की एक्सपेक्टेड कट ऑफ के बारे में भी बात करेंगे। इसमें हम एमसीसी की जो काउंसलिंग होती है ऑल इंडिया कोटा के लिए, इसके बाद में एम्स, जिपमर, ईएसआईसी, उनकी कैटेगरी वाइज, राउंड वाइज कट ऑफ के बारे में बात करेंगे कि क्या रह सकती है उनकी कैटेगरी वाइज और राउंड वाइज एक्सपेक्टेड कट ऑफ। मैं जो ये आपको कट ऑफ बता रहा हूं, ये बड़े ही एनालिसिस के बाद में मैंने तैयार की है। इसमें सीट ऑफ कितनी इंक्रीज हुई है उनको देखते हुए तैयार की है, और उसके बाद में जनरल का और फिर इसमें सीटें कितनी हैं, ओबीसी, ईडब्ल्यूएस का जो रिजर्वेशन इंप्लीमेंट हो रहा है उसके इफेक्ट को देखते हुए, ये सारी चीजें देखते हुए ये एनालिसिस की है। तो मैं आपको इसमें राउंड वाइज कट ऑफ बता देता हूं। तो सबसे पहले मैं बताऊं आपको, अगर काउंसलिंग के बारे में आप जानकारी और लेना चाहते हैं, ज्यादा जानकारी लेना चाहते हैं, तो आप हमारी बुक डाउनलोड कर सकते हैं। उसमें मैंने चॉइस फिलिंग के लिए लिस्ट भी दे रखी है और उसमें टॉप से लोवेस्ट के क्रम भी दे रखे हैं और प्रीवियस कट ऑफ भी दे रखी है। तो 2020 में जो कट ऑफ थी उससे आप 4 या 5 मार्क्स कम करके एक आइडिया लगा सकते हैं कि आपको कहां पर कॉलेज मिल सकती है, क्योंकि अभी 2020 की और 21 की जो रैंक वर्सेज मार्क्स का जो डिफरेंस है वो तकरीबन सेम सी है, उसमें ज्यादा अंतर नहीं है। तो आप वो देख सकते हैं, उसमें आप हमारी पेड काउंसलिंग भी ले सकते हैं। जैसे ही बुक डाउनलोड करेंगे हमारी टीम आपसे संपर्क कर लेगी। अब हम बात करते हैं कैटेगरी वाइज एक्सपेक्टेड कट ऑफ की। तो सबसे पहले हम फर्स्ट राउंड की बात करते हैं, एमसीसी के फर्स्ट राउंड की। एमसीसी के फर्स्ट राउंड की जिसमें ऑल इंडिया कोटा की 15% सीटें होंगी और इसके बाद में सेंट्रल यूनिवर्सिटी की सीटें होंगी, एम्स की सीटें होंगी इसमें, और जिपमर की सीटें होंगी, साथ ही साथ ईएसआईसी की सीटें होंगी। तो इनमें क्या कट ऑफ रह सकती है फर्स्ट राउंड की, तो मैं आपको यहां पर कट ऑफ मार्क्स बताऊंगा, रैंक आप अपना कैलकुलेट कर ले। तो जनरल कैटेगरी की हम बात करते हैं फर्स्ट राउंड के लिए, तो 614 मार्क्स कट ऑफ रह सकती है जनरल कैटेगरी की। अब इसमें हम देखते हैं कि जो सीटें इंक्रीज हुई हैं वो सीटें 500 से 600 के नियर बाई ये ऑल इंडिया कोटा में सीटें आएंगी, तो इसका हम 2.08 का रेशियो रखते हैं, उसी हिसाब से ही ये सीटें मिलती हैं कैटेगरी वाइज। लेकिन इसमें क्या है कि इस बार थोड़ा सा ओबीसी और ईडब्ल्यूएस को रिजर्वेशन इंप्लीमेंट होने से थोड़ा सा इसमें फर्क पड़ेगा, जनरल की कट ऑफ ज्यादा जाएगी। इसको देखते हुए 614 ये फर्स्ट राउंड की कट ऑफ जनरल कैटेगरी के लिए रह सकती है इसमें। अब इसमें हम बात करें ईडब्ल्यूएस कैटेगरी की, तो ईडब्ल्यूएस कैटेगरी की 609 कट ऑफ रह सकती है, क्योंकि जनरल और ईडब्ल्यूएस में इतना फर्क तो रहेगा ही। इसके बाद में हम ओबीसी कैटेगरी की बात करते हैं, तो ओबीसी कैटेगरी की यहां पर कट ऑफ रह सकती है वो 608 कट ऑफ रह सकती है ओबीसी कैटेगरी की। इसके बाद में एससी कैटेगरी की हम कट ऑफ मार्क्स की बात करें, तो 514 मार्क्स कट ऑफ रह सकती है, और एसटी कैटेगरी की अगर हम बात करें तो 490 कट ऑफ रह सकती है। ये है ऑल इंडिया का फर्स्ट राउंड, जिसमें एमसीसी का जो फर्स्ट राउंड होता है उसका ये ऑल इंडिया का फर्स्ट राउंड है, एम्स का है, वो सारे इसमें शामिल है जो फर्स्ट राउंड है। एक बार फिर बता देता हूं कट ऑफ, जनरल की 614, ईडब्ल्यूएस की 609, ओबीसी की 608 और एससी की 514 और एसटी की 490, ये कट ऑफ रह सकती है एमसीसी के फर्स्ट राउंड की। अब बात करें हम एमसीसी के सेकेंड राउंड की, तो मैं आपको बता दूं कि एमसीसी के सेकेंड राउंड में जो सीटें वैकेंट रहती आई हैं अभी तक, वो 60 से 70% सीटें वैकेंट रहती हैं फर्स्ट राउंड में। ये क्यों रहती हैं? ये इसलिए रहती हैं कि फर्स्ट राउंड के बाद काफी स्टूडेंट अपने स्टेट में एडमिशन ले लेते हैं, या फिर जो इन्होंने कॉलेज फिल की है उस कॉलेज में वो एडमिशन नहीं लेना चाहते हैं। तो इसलिए सेकेंड राउंड में तकरीबन 60 से
70% सीटें वैकेंट रहती हैं, ऑल इंडिया कोटा के लिए भी रहती हैं, वो एम्स के लिए भी वैकेंट रहती हैं, तो इतनी सीटें तो वैकेंट रहती ही रहती हैं। तो काफी सारे स्टूडेंट ये सोच रहे हैं कि हमें फर्स्ट राउंड में अलॉट हो गई क्या, सेकंड राउंड में इसकी कट ऑफ कितनी डाउन हो सकती है, क्या कहीं ज्यादा तो नहीं चले जाएगी। काफी स्टूडेंट ये भी सोचते हैं कि फर्स्ट राउंड में सीट लेनी चाहिए या नहीं लेनी चाहिए, क्या पता उनको सेकंड में मिलेगी या नहीं। तो ऐसा नहीं है, 60% से 70% सीटें वैकेंट रहती हैं, ये प्रीवियस ईयरों में ऐसा होता आया है। अब मैं आपको यहां सेकंड राउंड की बता देता हूं, एमसीसी के सेकंड राउंड की, जिसमें ऑल इंडिया कोटा भी इंक्लूड होगा, इसके बाद में एम्स, जिपमर और ईएसआईसी, ये सारे इंक्लूड होंगे। तो इसमें हम सेकंड राउंड की कट ऑफ जब देखते हैं, तो जनरल कैटेगरी की मैं यहां मान के चल रहा हूं सेकंड राउंड की 607 कट ऑफ रह सकती है यहां पर। इसके बाद में ईडब्ल्यूएस कैटेगरी की अगर हम माने तो 602 कट ऑफ रह सकती है यहां पर ईडब्ल्यूएस कैटेगरी की, और ओबीसी कैटेगरी की हम सेकंड राउंड की माने तो 601 ये कट ऑफ रह सकती है इसमें सेकंड राउंड में। अब एससी की हम अगर बात करें तो एससी की यहां पर 504 कट ऑफ रह सकती है, 504 मार्क्स कट ऑफ रह सकती है, और एसटी कैटेगरी की 486 कट ऑफ रह सकती है यहां पर सेकंड राउंड में, जिसमें ऑल इंडिया का सेकंड राउंड होगा और एम्स, जिपमर, ईएसआईसी का सेकंड राउंड होगा, तो ये सेकंड राउंड में कट ऑफ रह सकती है। अब हम बात करते हैं कि जो सेकंड राउंड में वैकेंट सीटें रहेंगी वो स्टेट में चली जाएंगी, और जो एमसीसी का मोपअप राउंड होगा वो और स्टे वैकेंसी राउंड होगा जिसमें सीटें वैकेंट रहती हैं, तो लास्ट स्टे वैकेंसी राउंड होता है। तो मैं आपको यहां पर लास्ट राउंड की कट ऑफ बता देता हूं एमसीसी के मोपअप की, और जिसमें लास्ट में स्टे वैकेंसी राउंड होता है। तो लास्ट राउंड की कट ऑफ अगर हम देखें इसमें, तो लास्ट राउंड की कट ऑफ एमसीसी की देखते हैं, तो ये जनरल कैटेगरी की कट ऑफ जा सकती है 605 मार्क्स, जो मैंने पहले वाले वीडियो में भी बताया था कि ये कट ऑफ 605 मार्क्स जा सकती है। अभी 601 मार्क्स जा सकती है ईडब्ल्यूएस की, और 600 मार्क्स कट ऑफ जा सकती है ओबीसी की। इसके बाद में हम एससी कैटेगरी की बात करें तो 503 कट ऑफ जा सकती है, और एसटी कैटेगरी में 482 कट ऑफ जा सकती है, ये कट ऑफ जो है वो स्ट्रे वैकेंसी राउंड तक जा सकती है, यानी कि सेकंड राउंड के बाद में सेंट्रल यूनिवर्सिटी का, एम्स, जिपमर, ईएसआईसी का मोपअप राउंड होगा, और मोपअप के बाद में स्ट्रे वैकेंसी राउंड होगा जो लास्ट राउंड होता है, तो उसमें ये कट ऑफ जा सकती है इस प्रकार से। तो ये मेरा पूरा एनालिसिस करके मैंने ये कट ऑफ प्रेडिक्ट की है। ये कोई जरूरी नहीं है कि ये कट ऑफ एक्यूरेट जाए, क्योंकि अभी तक तो कट ऑफ एक्यूरेट ही गई हुई थी, ये रिजल्ट से पहले जो हमने कट ऑफ प्रेडिक्ट की थी ये इसमें ये बिल्कुल एक्यूरेट गई नहीं है, इसमें काफी डिफरेंस रहा है। लेकिन इससे पहले जो कट ऑफ मैंने प्रेडिक्ट की थी प्रीवियस ईयर में वो एक्यूरेट ही गई थी। तो अभी हम मान के चल रहे हैं कि हमारे पास रैंक आ गई, उस रैंक के अकॉर्डिंग ही मैंने ये मार्क्स तैयार किए हैं कट ऑफ के। तो ये कट ऑफ रह सकती है ऑल इंडिया एमसीसी की राउंड वाइज, कैटेगरी वाइज कट ऑफ। अब हम यहां मान ले, अब बात कर लेते हैं यहां पर स्टेट्स की, स्टेट में कौन सी कितनी कट ऑफ रह सकती है। तो मैं आपको अभी समय के अभाव में पूरे स्टेट्स की कट ऑफ तो नहीं बता पाऊंगा, क्योंकि अभी इसमें एनालिसिस करते समय काफी टाइम लगता है एक स्टेट में, और ऐसे ही हवा में तुक्के मारने से कोई मतलब नहीं है। एक स्टेट की कट ऑफ प्रेडिक्ट करने के लिए कम से कम 2 दिन का समय लगता है, उसमें देखा जाता है कैटेगरी के कितने स्टूडेंट हैं उसमें, इसके बाद में ऑल इंडिया रैंक उनकी क्या है, पिछली बार कितनी कट ऑफ गई थी, उससे प्रीवियस ईयर में कितनी कट ऑफ गई थी, इस बार कितनी सीटें इंक्रीज हुई हैं, ये पूरा का पूरा स्टेट का पूरा सिस्टम देख के फिर कट ऑफ निकाली जाती है। ऐसे हवा में तीर मारने से कोई फायदा नहीं होता है। अब मैं आपको स्टेट के लिए बता दूं कि जो पिछली बार की 2020 की जो कट ऑफ थी, उस 2020 की कट ऑफ में जनरल वाले कैंडिडेट 2 से 3 मार्क्स
उस कट ऑफ से कम कर लें, जनरल वाले 2 से 3 मार्क्स कम कर लें, जनरल वाले और इसमें एससी एसटी कैंडिडेट भी आ गए। इसके बाद में हम ओबीसी और ईडब्ल्यूएस की बात करें तो ये 4 मार्क्स तक कम कर सकते हैं, क्योंकि इसमें फर्क पड़ेगा जो रिजर्वेशन इम्प्लीमेंट हुआ है। काफी स्टूडेंट इन कैटेगरी के ऑल इंडिया में भी सीटें लेंगे, जिससे एक रेशनलाइज हो जाएगा, क्योंकि वहां भी 15% सीटें आती हैं स्टेट से, तो जिन स्टेट में सीटें बढ़ी हैं उनका भी एक रेशनलाइजेशन हो जाता है, क्योंकि उनकी सीटें भी 15% सीटें आनी हैं, और जो हाई कट ऑफ के स्टेट से वो स्टूडेंट भी ऑल इंडिया में पार्टिसिपेट ज्यादा कर लेते हैं, ज्यादा एडमिशन ले लेते हैं, वो तकरीबन एडमिशन लेते हैं, तो उनके स्टेट में भी कट ऑफ कम जाती है ये। तो इस प्रकार से हम ये मान के चल रहे हैं कि 4 मार्क्स आप इस कैटेगरी में कम कर ली, जो प्रीवियस ईयर की कट ऑफ थी, और जनरल एसटी एसटी में 2 से 3 मार्क्स का ये फर्क पड़ेगा। उतने मार्क्स आप डाउन कर लें तो आपको एक आइडिया हो जाएगा कि आपके स्टेट में कितने आपको किस नंबर पर सीट मिल सकती है। तो इस प्रकार का एक मोटा मोटा सा आइडिया था जो मैंने आपको दिया है। अभी ये कट ऑफ अभी किस हद तक सही रहती है, किस हद तक जाती है, ये अभी मैंने ये जो बनाई है ये मान के बनाई है कि 500 से 600 सीटें ऑल इंडिया कोटा में जाएंगी, ऑल इंडिया कोटा में जाएंगी, तो इससे कितना फर्क पड़ेगा कट ऑफ पर ये देखते हुए बनाई है। अगर इससे सीटें ज्यादा ऑल इंडिया में जाती हैं, क्योंकि सीटें अभी और भी इंक्रीज होनी, तो कट ऑफ और भी डाउन हो सकती है, लेकिन फिलहाल मैंने यही आइडिया लिया है कि 500 से 600 सीटें ऑल इंडिया में जा सकती हैं। तकरीबन अब की बार हम मान रहे हैं सभी स्टेटों को लगा के उसमें गवर्नमेंट की जो सीटें हैं वो 5000 के नियर बाई इंक्रीज होने की संभावना है। तो यही देखते हुए अभी ये जैसे जैसे इंक्रीज होती जाएंगी, हम यहाँ ये देखते जाएंगे कि जैसे जैसे ये सीटें इंक्रीज होंगी कट ऑफ थोड़ी थोड़ी डाउन होगी, लेकिन मार्क्स में इतनी ज्यादा डाउन नहीं होगी, क्योंकि 600 के नियर बाई जो मार्क्स हैं उसमें एक एक मार्क्स पर काफी रैंके हैं, 1000 रैंक समथिंग है, 800 रैंक के नियर बाई रैंके हैं, तो उसमें इतना ज्यादा मार्क्स का फर्क नहीं पड़ेगा, रैंक का फर्क जरूर पड़ेगा। तो इस प्रकार से ये एक आपको मैंने आइडिया दे दिया है कि ये कट ऑफ रह सकती है ऑल इंडिया कोटा की और स्टेट की। स्टेट की जो आपकी प्रीवियस ईयर की कट ऑफ है उससे 2 से 4 मार्क्स आप कम कर लें कैटेगरी वाइज। जो यूपी स्टेट है जिसमें अभी 900 सीटें बढ़ी हैं, तो इसमें जो फर्क पड़ेगा, जो मैंने ये कट ऑफ बताया, इससे ज्यादा 2 मार्क्स का कैटेगरी वाइज और फर्क पड़ेगा, क्योंकि इसमें सीटें जो 900 में से 15% सीटें तो ऑल इंडिया कोटा में चली जाती हैं, जो बाकी सीटें हैं उनमें 2 मार्क्स का फर्क इसलिए पड़ेगा क्योंकि इस नंबर पर, जैसे कि मान लो 600 598, इस नंबर पर काफी स्टूडेंट होते हैं, तो सीट इंक्रीज का इतना फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि उनको कहीं सीट मिली नहीं होगी, कहीं सीट मिलती नहीं है, तो फर्स्ट और सेकेंड राउंड में ज्यादा फर्क नहीं पड़ता, मोपअप राउंड में ज्यादा फर्क पड़ता है, क्योंकि मोपअप राउंड में बचे कम बचते हैं और वो कहीं प्राइवेट में एडमिशन ले लेते हैं, सोचते हैं कि हमें नहीं मिलेगा, तो मोपअप राउंड में कट ऑफ का थोड़ा सा डिफरेंस रहता है। और मोपअप राउंड के लिए जो हाई रैंक वाले स्टूडेंट हैं, जिनके मार्क्स अच्छे हैं, वो वही स्टूडेंट वेट करते हैं जो ये सोचते हैं कि इस बार या तो मेरे को एडमिशन लेना है या फिर अगली बार तैयारी करके अच्छे कॉलेज में, एम्स या फिर मौलाना आजाद ऐसे कॉलेज में एडमिशन लेना, तो वो इस प्रकार के बच्चे ड्रॉप भी करते हैं। तो ये कंडीशनें हैं। तो अभी नई अपडेट के साथ नए वीडियो में आपसे फिर मुलाकात होगी। जैसे ही काउंसलिंग स्टार्ट होगी मैं आपको बता दूंगा, आप रजिस्ट्रेशन करवा के काउंसलिंग करवा सकते हैं। तो आपसे लेते हैं विदा। जय हिंद।